सो हाय गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो यार स्वागत है आपका टेक्निकल चमशेर यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, इस टॉपिक पर जाने के जो हमारा सुबह इवेंट आया स्पाइन पंक, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी जो दो वीडियोस है वो डाल चुका हूँ, लेकिन यार फिर भी बहुत सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे और यहाँ पर मेरे को जो इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने बहुत सारे जो सवाल पूछे। तो यार मेरे को लगा कि इसके ऊपर जरूर से जरूर वीडियो तो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डाउट है बंदों के। जैसा कि सबसे पहला जो डाउट है कि यहाँ पे जो ये वाला हमको बंडल दिया जा रहा है, यानी कि जो हमने सेलेक्ट करी थी टीम, यानी कि बंडल ही है उसमें, ठीक है, दो दो बंडल है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि ये वाले जो बंडल हमको मिलेंगे या नहीं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और अगर जाए ये वाले जो बंडल है, ठीक है, नहीं मिलेंगे, तो फिर यहाँ पर वोटिंग क्यों करवा रहे हैं, ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। फिर जो दूसरा डाउट है कि यहाँ पे जो MP40 हमको मिलने वाली है वो परमानेंट मिलेगी या ऐसे टेम्परेली मिलेगी जैसे भी मिलती है। और जो तीसरा डाउट है कि यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि इसके आपको हॉरिजेंटली वर्टिकली तीनों की तीनों जो लाइन पूरी करनी है फिर आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। तो कुछ भाइयों का कहना है कि मान लीजिए जैसे हमने जो पहली लाइन है, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर ये वाली जो जहाँ पर पांच जो सेल लिखा, ठीक है, जहाँ पर इसको पहली को कंप्लीट कर लिया और फिर हमको जो गोल्ड वाउचर मिल गया, तो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये वाले जो दो क्लियर करेंगे तो फिर क्या हमको पैराशूट मिलेगा या नहीं, यानी कि यहाँ पर तो पहले वो ऊपर वाले के साथ मैच हो चुकी है, तो यहाँ पर इसके साथ भी होगा या नहीं, यानी कि ऐसे कुछ फनी वाले भी हैं यार, ठीक है, क्वेश्चन तो सारे क्लियर करने वाला हूँ, तो फिर इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए फिर, जब ज़्यादा बातें तो करते नहीं है हमेशा की तरह, तो चलिए फिर हमारा वीडियो हम शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहली बात कर ले कि जो हमको यहाँ पर जो आपने बंडल सेलेक्ट करा था, ठीक है, जैसा कि एक पर्पल था, एक ब्लू था, ठीक है, ऐसे करके जो हमारे तीन बंडल है और एक मेरे ख्याल से है येलो, ठीक है। तो यहाँ पर बंदों के क्या डाउट है, बहुत सारे बंदे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो ये वाले बंडल है वो हमको मिलने वाले हैं या नहीं, और अगर नहीं मिलने वाले तो फिर दिए क्यों है, वोटिंग क्यों करवा रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले ही आपको मैं बता दूँ, सुबह की वीडियो में भी बता दिया था कि यहाँ पे जो ये वाले बंडल है वो नहीं मिलने वाले किसी को भी, ये हमारे इनक्यूबेटर के बंडल है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है जो सबसे बड़ी है कि यहाँ से जो वोटिंग फिर क्यों करवाई जा रही है, ठीक है, इन बंडल्स के लिए। जैसा कि अभी जो पर्पल वाला बंडल है वो सबसे टॉप पर चल रहा है, तो यार इसको इसके लिए करवाया जा रहा है, जैसा कि आपको पता है कि जब भी हमारा इनक्यूबेटर आता है, ठीक है, जो सबसे अच्छा बंडल होता है, ठीक है, सबसे अच्छा जो बंडल होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ब्लू प्रिंट चाहिए होते हैं, सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन स्टोन चाहिए होते हैं, जैसा कि तीन ब्लू प्रिंट होते हैं और मेरे ख्याल से 6-7 जो स्टोन चाहिए होते हैं। तो ऐसे में जो फ्री फायर वाले वो मेरे ख्याल से क्या कर रहे हैं कि जहाँ से जो वो वोटिंग करा रहे हैं कि जो बंदे हैं उनको जो कौन सा वाला बंडल है सबसे अच्छा लग रहा है उसके लिए बंदे वोटिंग कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे कि जो सबसे अच्छा जिसको ज़्यादा वोटिंग मिलेगी वो वाला बंडल है जो सबसे जो हाईली प्राइज में रखेंगे इनक्यूबेटर में, जैसा कि तीन ब्लू प्रिंट वाला, 7 एवोल्यूशन स्टोन वाला, ठीक है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से जो वोटिंग करवाई जा रही है कि जो भी बंडल सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा उसको वो सबसे टॉप पर रख देंगे, ठीक है। तो ये पहला डाउट आपका क्लियर हो गया। अभी बात कर लें दूसरे डाउट की कि यहाँ से जो MP40 के जो गन है, ठीक है, वो परमानेंट मिलेगी या नहीं। तो देखो यार, यहाँ पे जो उन्होंने जो हमको गन के बॉक्स देने वाले हैं, ठीक है, MP40 का जो बॉक्स देने वाले हैं, दो बॉक्स आपको मिलेंगे यहाँ से, तो अगर तो अकेली गन देते तो फिर तो वो परमानेंट होती, लेकिन यहाँ से जो देंगे वो बॉक्स हमको, तो जो भी बंदा लक्की होगा, यार ये भी रेंडमली होता है, जो फ्री फायर वाले हैं वो उन्होंने पहले फिक्स करा होता है किसको देनी है परमानेंट, किसको टेम्परेली देनी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लक्की हुए तो आपको परमानेंट भी मिल सकती है, और अगर आपको नहीं मिलनी होगी तो फिर यहाँ से आपको परमानेंट यार नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये दूसरा डाउट भी आपका क्लियर हो गया कि परमानेंट भी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो अभी यार लास्ट में बात कर लें कि जैसा कि बंदे बोल रहे थे, ये थोड़ा सा फनी डाउट है कि यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं कि हमने ऊपर वाली जो रो है सीधी ऐसे जो उसको कंप्लीट कर लिया तो हमको गोल्ड वाउचर मिल गया, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं तो ये तो पहले से कंप्लीट हो चुका है, जो दो हम कंप्लीट करेंगे तो क्या हमको पैराशूट मिल पाएगा, यानी कि हमको जो अकेला गोल्ड वाउचर ही मिलेगा जब पैराशूट भी मिलेगा। तो यार यहाँ पर जो दोनों ही आइटम आपको मिलेंगी, क्योंकि ऊपर वाली जो लाइन आपकी पहली पूरी हो जाएगी, तो ऐसे ही आप यहाँ से जो दो ये वाले सेल कंप्लीट करेंगे, इनको स्पिन मारेंगे, ठीक है, तो फिर आपको जो पैराशूट भी मिल जाएगा, यानी कि ये वाली जो सभी आइटम्स है आपको मिलने वाली है, और जो सेल है वो भी डेली के डेली मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप आज ही स्पिन करना चाहते हैं सारे आज कर लेना, और एक साथ अगर आप स्पिन मारेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है गाइस। सो यार ये वाले कुछ डाउट थे, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे बंदे यार पूछ रहे थे कि यार बंडल भी मिलेगा, बंडल भी मिलेगा, तो यार नहीं मिलेगा, बता दिया सारा कुछ आपको। सो आपके डाउट क्लियर हो गए, तो फिर यार इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। जिन बंदों ने भी पूछा था उनके डाउट मैंने क्लियर कर दिया, तो यार लाइक जरूर से जरूर करना। और बहुत सारे बंदों के डाउट और भी हैं, यानी कि बहुत सारे बंदे, तो उनके साथ वीडियो शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है गाइस, सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर यार जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए फिर बाय बाय।